हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे नीतीश टेक कंपायर पे। आज हम जो है इस बाइक की एक छोटी सी रिव्यू मैं आपको देना चाहूँगा। इस बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक की एवरेज स्पीड, बाइक का एवरेज एंड एवरीथिंग रिलेटेड ऑफ दिस बाइक आई विल टेल यू इन शॉर्ट। और आज हमने गाड़ी को जो है विश्वकर्मा पूजा है तो आज हमने क्लीनिंग भी अच्छे से किया हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, हेडलाइट से। और इसमें मैं आपको इसका कंपैरिजन भी आपको दूंगा कि नए वाले में क्या आ गया है और पुराने वाले में क्या है और बेहतर कौन सी लग रही है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके हेडलाइट से बात करते हैं तो 55 वाट का ओसराम का इसमें हेलोजन बल्ब आता है। ये अभी हमने 1 ईयर पहले लिया था, अभी जो नया वाला अपडेट आ गया है उसमें ये LED दे दिया इन्होंने। और हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है ये भी मतलब टोटली जितनी भी लाइटें हैं इसमें, इंडिकेटर से मेन हेडलाइट तक, टोटल सारी की सारी जो है LED दे दिया गया है। बट एक प्योर राइडर जो है वो उस चीज को समझता है, हेलोजन इज बेस्ट। एंड आई हैव सीन, मैंने देखा भी है जो अभी जो नई वाली आई है, मैं उसका एक शॉट डाल दूंगा इस वीडियो में, जो उसकी जो लाइटिंग परफॉर्मेंस है ठीक है, एवरेज है, बट दिस इज द गुड थिंग एंड इट इज वेरी गुड इन माई ओपिनियन एज वी कैन। और हम इसको लगभग अभी तक इसको जो है हम लोग 10,000 किलोमीटर के आसपास इसको ड्राइव कर चुके हैं। और जो नई वाली जो आई है ये इसका जो वाइजर है इसको भी रिमूव कर दिया है और एक्चुअल जो इसका शो है, जो इसका जो लुक आता है ये इसी के चलते आता है। ये जो लुक है ये मतलब एक अलग ही लुक है, इसका कोई जवाब नहीं है। और ये आप शॉकर देख ही सकते हैं, ये इसके अलॉय व्हील्स हैं और अलॉय व्हील की जो साइज है मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्यूबलेस टायर्स हैं एंड हियर यू कैन सी मैक्सिमम जो लोड है इसका 230 केजी है, जो इस पे आप देख के चला सकते हैं। 150 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है इसकी। और ये अलॉय व्हील्स हैं ब्लैक। अभी क्या हुआ है कि जो कलर आए हैं वो कलर कहने के लिए तो आरी बोलते, रॉयल इनफील्ड बोलता है कि हमारा जो है पूरा गन मेटल ग्रे है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिप दे दिया गया है और उस स्ट्रिप में अलग अलग कलर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं। अब ना ही वो ब्लैक दिखती है, ना ही वो गन मेटल ग्रे दिखती है, वो पता नहीं वो कौन सा कलर है, आई डोंट नो, लेकिन बोलते हैं कि वो ग्रे है। एक ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक तो फुल्ली ब्लैक कर दिया है, नो डाउट। और ये इसका, ये आप देखिए साइड से, इसका साइड व्यू है और दोनों ही चक्कों में इसके डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, बाइब्री के डिस्क ब्रेक हैं और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। और इसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है, हमने इसको 90-95-100 तक की ब्रेकिंग हमने इस पे ट्राई किया हुआ है। और मैक्स जो है, सपोज आप 90 पे ड्राइविंग कर रहे हो और आपने ब्रेक अप्लाई किया तो हमको लगता है कि मैक्सिमम 5-6 मीटर्स के बीच में कंट्रोल हो जाती है बाइक हमारी वेरी इजीली। और रही बात इसकी कंफर्ट की, तो ये जो सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्पंजी हैं और लॉन्ग टूर के लिए वेरी कंफर्टेबल। एंड यू कैन चेंज, आप चेंज भी कर सकते हैं, टूरिंग सीट्स भी आती हैं इनकी, वो थोड़ी सी और ये डाउन हो जाती है। और ये अभी हम आपको इसको ऑन करके इसका मीटर दिखाते हैं। हमने अभी तक इसको 9,503 किलोमीटर तक हमने इसको ड्राइव किया है
और जो नई वाली जो गाड़ी आई है, जो नई वाली आरी की जो बाइक्स आई हैं क्लासिक 350, उसमें एक अच्छी चीज उन्होंने ये दिया हुआ है कि किस गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, वो भी यहाँ पे इंडिकेट करता है। छोटे मोटे चेंजेस किए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कलर में जो चेंजेस हुए हैं वो हमको पसंद नहीं आया, जो बी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज द थिंग एंड आई विल गिव यू अ वॉक अराउंड। मैं आपको इसकी आवाज भी सुनाऊंगा। अभी जो नई वाली आई हुई है उसमें आप ये दोनों इंडिकेटर, मेन हेडलाइट और पीछे वाली जो ये लाइट है, ये सारे के सारे जो है एलईडी दे दिया गया है। देखने में ठीक ही लगता है, लेकिन इसका एक अलग लुक है, और ये कलर स्पेशली जो है सबसे ज्यादा बिकने वाला कलर है। बट नाउडेज दे हैव चेंज ऑल द कलर्स, दे हैव पुट सम ब्राउन, सम ग्रे, सम ब्लैक ऑल्सो इन सेम, बट दे आर कॉलिंग दैट दिस इज द गन मेटल ग्रे, आई डोंट नो भाई। और आपको मैं एक इसकी चीज बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी एक समस्या थी हमारे बाइक में, ऐसे ना हमको इसकी हैंडल का थोड़ा सा इशू लग रहा था। ये हैंडल को लेके हमने कई बार कंप्लेन किया, उन्होंने हैंडल चेंज किया, पता नहीं क्या क्या किया, एवरीथिंग दे हैव चेंज, बट स्टिल आई एम सेइंग आई फील दैट माय हैंडल इज सम बेंड इन वन डायरेक्शन। अब पता नहीं ये मेरे को लगता है या अन्य बाइकों में भी ऐसी समस्या है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या यदि कोई और भी कोई व्यवस्था है इसको ठीक करने की, तो कैसे ठीक किया जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम वेरी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस हैंडल को लेके। और ये हमारा एक मोबाइल होल्डर है बोबो कंपनी का, हमने इसको 2200-2300 रुपये का ऑनलाइन लिया था अमेजोन से, और काफ़ी अच्छा है। हम इसको 90-100 की स्पीड में हम इसको ड्राइव करते हैं और मोबाइल लगा देते हैं, और बहुत बढ़िया काम का वर्क करता है ये। और इसके एक सबसे खास बात बताऊँ, यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये USB पोर्ट है। अभी जो नया वाला आया है उसमें C2C हो गया, ये बड़ा वाला USB से छोटे वाला है, लेकिन अभी जो नई वाली जो आई है उसमें C पोर्ट दे दिया गया है। एंड स्मॉल चेंजेस हैज बीन डन, छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, और थोड़ी सी प्राइजिंग भी बढ़ाई गई है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लैंक है, खाली है, ओनली रॉयल इनफील्ड का लोगो है, लेकिन अभी जो नई वाली आ रही है उसमें ट्रिपर नेविगेशन भी दे दिया गया है। आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कीजिए, आरी का एक एप्लीकेशन है उसमें आप कनेक्ट कर दीजिए, और ये लोकेशन आप सेट डाल दीजिए, वो यहाँ दिखाता रहेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये आप जानते ही हैं, ये हमारा किल स्विच है, इंजन स्टार्ट ऑन स्टॉप किल, और मैं आपको इसकी एक साउंड सुनाता हूँ। जब भी आप इसको स्टार्ट करें, ये एक आपको एक हल्की सी साउंड सुनाई देगी, मोटर की इसकी पंप है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको वो लोग, तो आप जब वो पूरा साउंड खत्म हो जाए फिर तभी आप इसको स्टार्ट करें, इन माय ओपिनियन, बाकी एज यू कैन डू व्हाट यू वांट। सो दिस इज द साउंड यू कैन सी। एंड मैं इसको आपको बताऊं, मैं इसको ये साउंड है, एंड इस साउंड के लिए जो है ये लोग बुलेट को परचेस करते हैं, सॉरी क्लासिक 350 को परचेस करते हैं। और एक्चुअली लोग, आपको बताऊं मैं, सबसे ज्यादा लोग बुलेट को कम इसी को लोग सबसे ज्यादा बुलेट बुलेट बोलते हैं, हालांकि ये बुलेट नहीं है, ये क्लासिक 350 के नाम से जानी जाती है। और कहते हैं कि वाइब्रेशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन हमको तो वाइब्रेशन अभी भी फील होता है, और वो लोग ग्लास व्लास वाटर रख के चेक करते हैं, आई डोंट नो, बट आई फील दैट वाइब्रेशन इज स्टिल अवेलेबल इन दिस बाइक। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, कि मैं इस पे लगभग एक साथ मैं 250-250 किलोमीटर की ड्राइविंग किया हूँ, और हम 4 घंटे में 250 किलोमीटर की गाड़ी इसमें हम ड्राइविंग कर देते हैं, बट हमको थकान थोड़ी सी भी नहीं होती है। हम अपने घर से निकलते हैं ड्यूटी के लिए 220 किलोमीटर का के डिस्टेंस पे हमारी ये कंपनी है, और मैं अभी अपनी कंपनी में खड़े होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ, और
हम 8 बजे निकलते हैं, सॉरी एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई रीच्ड इन माई फैक्ट्री एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। 4 घंटे में हम 220 किलोमीटर की ड्राइविंग करते हैं और हमको थोड़ा भी थकान हमको फीलिंग महसूस नहीं होता कि हम थके हुए हैं या फिर कुछ भी, क्योंकि इस बाइक की जो राइडिंग है, जो 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 सिटिंग पोस्चर है वो एक अलग ही है। आप किसी अन्य बाइक में ये आपको फील होने वाला नहीं है, तो ये जो है एक अलग ही आपको फीलिंग आने वाली है इसमें। रविंदर आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा बीच में हमारा काम भी चल रहा है तो सॉरी गाइस फॉर दैट। हो गया वो पूरा कनेक्शन एंड दैट्स व्हाई आज हमने गाड़ी को क्लीन किया। केबल को ही देके टाइट कर देंगे तो हो जाएगा ना? नहीं, वो स्पार्क करेगा। ऊपर टाइट कर देंगे तो स्पार्क करेगा। ओके करो, देखते हैं। ओके तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भी आपको बता दिया, नई वाली और पुरानी वाली दोनों का। और दिस इज द मेन थिंग एट आई वांट टू सो एंड टुडे माय बाइक इज क्लीन्ड, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो आल्सो। अदरवाइज जो मेरी बाइक है ये काफ़ी ज़्यादा गंदी रहती है, और यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल टेल यू। लेकिन आप गाइज यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और आपको आप आरी के कस्टमर हो, आपके पास ये क्लासिक 350 है, तो यदि आपको इसकी हैंडल टेढ़ी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि हमने जितने हमको एज पर माई नॉलेज जितना हमारे पास था हमने सब ट्राई किया, इसको हमने चेंज किया, इसको हमने नया लगवाया, हमने कस्टमर केयर से झगड़ा किया, एवरीथिंग वी हैव डन, बट स्टिल आई थिंक दैट हैंडल इज सम बेंड इन वन साइड दिस डायरेक्शन हियर। सो टेल मी इफ यू एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो अबाउट अ लॉन्ग वीडियो। ये पहला वीडियो है, एक लंबा सा वीडियो है इस गाड़ी को लेके। मैं इसको 1 साल से चला रहा हूँ और छोटे मोटे हालांकि वीडियो कहीं बनाया नहीं मैंने इसको, लेकिन एक फ्रेंड बोला कि आप इसका एक वीडियो बनाओ प्रॉपर, तो मैं बना रहा हूँ इसको। और एक एक्सपीरियंस है, एक रिव्यू है 10,000 किलोमीटर का, और इसका एक एवरेज जो है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो हमको एवरेज जो मिला था इस गाड़ी को लेके लगभग हमको मिला था 22 के आसपास, 22 से 25 का एवरेज मिल रहा था, लेकिन अभी जो हमको एवरेज मिल रहा है आई थिंक 32 से लेके 35 किलोमीटर पर आवर का हमको एवरेज मिल रहा है, और ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये मिल रहा है 32 to 35 किलोमीटर पर आवर पर लीटर आई एम राइडिंग दिस बाइक। हमारे पास एक स्कॉर्पियो एन भी है तो थोड़ा सा वो मूव हो जाती है हमारा इधर का उधर, उधर का इधर, सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड दैट्स इट। यही है छोटा सा एक रिव्यू। यदि आपको ये गाड़ी हमारी पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज़।